जो देखता हूं वही बोलने का आदि हूं, मैं अपने शहर का सबसे बड़ा फसादी हूं। दरअसल सच्चाई जब चमकती है तो झूठ फसाद करने पर उतारू हो जाता है। आज ऐसा ही एक सच आपके सामने लाने जा रहे हैं जिसने पाकिस्तान के झूठ की पोल खोल कर रख दी है। आज बात उस साजिश की जो दुनिया के लिए नजरबंद हो रखे हाफिज सईद और उसके संगठन जमात उद्दावा ने रची है। एक ऐसा सनसनीखेज खुलासा जो आपके होश उड़ा कर रख देगा। नमस्कार, मैं हूं दिग्विजय सिंह और आप देख रहे हैं हादसा। एक बार फिर बेनकाब हो गया हाफिज सईद। सामने आ गया पाकिस्तान के झूठ का सच। कितना आजाद है नजरबंद हाफिज सईद। किस तरह खुलेआम फैला रहा है आतंक की जड़ें। हमारी खबर पर लगी सच की मुहर। जमात उल दावा की हिमाकत, सच साबित हुई आशंका। न्यूज 18 इंडिया के रिपोर्टर को साइबर टीम में शामिल होने का भेजा न्योता। शनिवार को हमने शाम 7 बजे एक कार्यक्रम दिखाया जिसमें हमने ये आशंका जाहिर की थी कि पाकिस्तान ने दुनिया की नजरों को धोखा देने के लिए हाफिज सईद के आतंकी संगठन जमात उद्दावा पर पाबंदी लगा रखी है। दरअसल वो पाबंदी के नाम पर महज ठकोसले से ज्यादा कुछ नहीं। न तो जमात उद्दावा की हरकतों में कोई कमी आई और न ही हाफिज सईद की हरकतें कम हुई। उल्टा वो खुलकर वहाँ भारत के भटके हुए नौजवानों को आतंक के लश्कर का हिस्सा बनाने और कश्मीर में आतंकी वारदातों को और तेज करने के लिए कैसे कैसे हथकंडे अख्तियार कर रहा है। अपने उस कार्यक्रम के जरिए हमने आतंक के आका हाफिज सईद की नई चाल का कच्चा चिट्ठा खोल कर रख दिया था। जमाने के सामने नजरबंद हाफिज सईद का सच उजागर किया था। हाफिज कैसे कश्मीर में आतंक फैलाने की नई साजिशें रच रहा है। उसने दहशत का कौन सा नया फार्मूला ईजाद किया है। हाफिज सईद का नया प्लान क्या है, इसका खुलासा भी उसी कार्यक्रम का हिस्सा था। हाफिज सईद पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई की कठपुतली और हिंदुस्तान का दुश्मन नंबर 1। अमेरिका के दबाव में पाकिस्तान की सरकार ने हाफिज सईद को दुनिया को दिखाने के लिए 30 जनवरी 2017 से नजरबंद कर रखा है। लेकिन नजरबंदी के बावजूद आतंक के सरगना को हर सुविधा मुहैया कराई जा रही है जिसके जरिए वो हिंदुस्तान के खिलाफ अपनी नापाक साजिशों को अंजाम देने में लगा हुआ है।
न्यूज 18 इंडिया के हाथ लगी एक्सक्लूसिव जानकारी ये थी कि अपने घर में कैद होने के बावजूद हाफिज सईद दिन रात भारत के खिलाफ साजिशों के जाल बुन रहा है और दुनिया की नजरों से छिपकर आतंक का ये आका सोशल मीडिया के जरिए कश्मीर घाटी के नौजवानों को गुमराह करने में लगा हुआ है। आज हम आपको दिखाएंगे वो सच जिसके दम पर हाफिज सईद ने कश्मीर में एक नई जंग छेड़ दी है। आज हम आपको हाफिज सईद की उस हकीकत से रूबरू करवाएंगे जिसकी वजह से कश्मीर घाटी में बगावती सुर तेज हो गए हैं। आज हम आपको दिखाएंगे हाफिज सईद का वो पैंतरा जिसके बूते वो एक बार फिर कश्मीर घाटी को दहलाने की तैयारी कर रहा है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक हमने यही आशंका जाहिर की थी कि हाफिज सईद का जमात उद दावा कश्मीर में हिंसा फैलाने और नौजवानों को गुमराह करने के लिए अब सोशल मीडिया का सहारा ले रहा है और उसके लिए उसने बाकायदा एक टीम बनाई है जिसके जरिए वो सोशल मीडिया के आतंकी तैयार कर रहा है। इस टीम का काम है भारत के किसी भी हिस्से से उन नौजवानों की तलाश करना जो किसी न किसी सूरत में उसके काम आ सके। हमारी इस आशंका पर खुद जमात उद दावा ने उस वक्त मुहर लगा दी जब उसकी साइबर टीम ने सीधे हमारे रिपोर्टर को अपनी साइबर टीम का हिस्सा बनने के लिए ऑफर भेज दिया। ये देखिए व्हाट्सएप के जरिए जमात के आतंकियों ने कैसे हमारे रिपोर्टर से अपनी बुरहान वानी टीम और साइबर टीम का हिस्सा बनने का न्योता दे डाला। उनका ये न्योता इस बात को साबित करने के लिए काफी है कि जमात उद दावा और उससे जुड़े आतंकी कितने बेखौफ होकर हिंदुस्तान की हद के भीतर हर रास्ते से घुसपैठ करने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। अब जरा सोचिए हाफिज सईद और उसके गुर्गे ये कोशिश इस मुल्क में कहां कहां और कैसे कैसे कर रहे हो, बस अंदाजा ही लगाया जा सकता है। सिर्फ 15 सेकंड का ब्रेक, जारी है हादसा। जी हां, अंदाजा भरी लगाया जा सकता है कि हाफिज सईद के सपोले आखिर कहां कहां कितना जहर उगल चुके हैं। लेकिन इतना तो तय है कि उनकी साजिश का जाल सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान को तोड़ने के लिए बुना जा रहा है और इसके लिए वो किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं। हैरानी तो तब हुई जब हाफिज सईद की साइबर सेल ने न्यूज 18 इंडिया के रिपोर्टर को ही जुड़ने का ऑफर दे डाला। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। जो आतंक के वायरस की तरह काम कर रहा है। न्यूज 18 इंडिया पर खबर दिखाए जाने के चंद घंटे के बाद ही हमें मोस्ट वांटेड आतंकी हाफिज सईद के संगठन जमात उद दावा की तरफ से व्हाट्सएप पर एक मैसेज आया। जमात उद दावा साइबर स्पेस के इस्तेमाल के जरिए आतंकी जड़ों को गहरा करने में जुटा है, वो एक खतरनाक संकेत है। जरा सोचिए हाफिज सईद और कश्मीर से जुड़ी खबरों पर जमात उद दावा की कितनी पैनी नजर है, यहां तक कि वो मेरे जैसे पत्रकार तक को दाना डालने से नहीं चूकते। ये मैसेज एक ऑफर था उनकी साइबर टीम को ज्वाइन करने का। इतना ही नहीं, आतंकी बुरहान वानी के समर्थन में चलाए जा रहे एक व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन करने का हमें ऑफर दिया गया। हम खबर दिखा रहे थे। पाकिस्तान के नए प्लान के एक एक हिस्से की कमान संभालने वालों में से सबसे पहला नाम आता है हाफिज सईद का और वो हमें देख रहे थे। पाकिस्तान में बैठे आतंक के सपोले अपने बिल में छिपे न्यूज 18 इंडिया की तमाम खबरों और खुलासों पर
आंखें गड़ाए बैठे थे। वो जानते थे कि हम उनकी पोल पट्टी, हम उनकी हर चाल को बेनकाब करते आए हैं। हमारे खबरनवीस उनकी चालों का पोस्टमार्टम करते आए हैं। यही वो वजह थी जिससे घबराए हाफिज के संगठन की साइबर सेल टीम न्यूज 18 इंडिया की खबर देख रही थी। हमारी जानकारी ट्रेस करने के लिए तैनात की गई थी। सबूत की शक्ल में आया उनका ये संदेश, संदेश जो उन्होंने हमारे रिपोर्टर और इस खबर को लाने वाले नीतीश कुमार को भेजा था। न्यूज 18 इंडिया पर खबर दिखाए जाने के चंद घंटे के बाद ही हमें मोस्ट वांटेड आतंकी हाफिज सईद के संगठन जमात उद दवा की तरफ से व्हाट्सएप पर एक मैसेज आया। ये मैसेज एक ऑफर था उनकी साइबर टीम को ज्वाइन करने का। इतना ही नहीं, आतंकी बुरहान वानी के समर्थन में चलाए जा रहे एक व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन करने का हमें ऑफर दिया गया। जरा सोचिए, हाफिज सईद और कश्मीर से जुड़ी खबरों पर जमात उद दावा की कितनी पैनी नजर है। यहां तक कि वो मेरे जैसे पत्रकार तक को दाना डालने से नहीं चूकते। पहले हमने खुलासा किया, बाद में पाकिस्तान से आई पेशकश हमारे खुलासे को सबूत की जमीन दे गई। हमारा खुलासा था कि पाकिस्तान कैसे भारत के खिलाफ साजिश रच रहा है और साजिशों के हर दरवाजे पर आतंक के मोहरे तैनात किए गए हैं, जिसमें सबसे पहला और सबसे बड़ा नाम है भारत के दुश्मन हाफिज सईद और उसके संगठन जमात उद दावा। खुलासा ये है कि अपनी बिखरती ताकत को समेटने के लिए जमात उद दावा ने भारत के भटके नौजवानों को भड़काने का काम चालू कर दिया है, बहके कदमों को आतंक का रास्ता दिखाना शुरू कर दिया है, और उसमें सबसे खास हथियार बना हुआ है साइबर स्पेस। जमात उद दावा के साइबर अटैक के जरिए व्हाट्सएप और सोशल साइट्स पर साजिशों का जाल बुन रखा है। हर हाथ में स्मार्टफोन और सोशल साइट्स के बढ़ते इस्तेमाल का वो बखूबी इस्तेमाल कर रहे हैं। उनकी ये साइट बताती है कि कैसे उन्होंने बुरहान के नाम पर फेसबुक पेज और व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है। खुद उन्होंने हमारे संवाददाता नीतीश को भी यही ऑफर दिया था। साफ है, साइबर की जमीन जंग की बड़ी जगह बनती जा रही है। जिस तरह से आतंकी हाफिज सईद का संगठन जमात उद दावा साइबर स्पेस के इस्तेमाल के जरिए आतंकी जड़ों को गहरा करने में जुटा है, वो एक खतरनाक संकेत है, क्योंकि आने वाले वक्त में जंग साइबर स्पेस में लड़ी जाएगी, ना कि जमीन या फिर आसमान में। खुफिया एजेंसियों की आतंकी संगठन की इस हरकत पर पैनी नजर है। जमात उद दावा ने बाकायदा एक साइबर टीम तैनात की हुई है, जो किस कदर एक्टिव है और कितनी दूर तक उसके तार फैले हैं उसका अंदाजा इस बात से लग जाता है कि उन्होंने नीतीश कुमार का नंबर तलाश लिया। खास बात ये कि खबर दिखाए जाने के दौरान हमने कहीं भी नीतीश का नाम लिया ही नहीं, या फिर कहीं भी वो दिखाई भी नहीं दिए। लेकिन सोचिए, सरहद पार से बैठकर ऑपरेट करते जमात उद दावा की साइबर टीम के तार कितनी दूर तक फैले हैं कि शनिवार को खबर दिखाए जाने के महज 20 घंटे के अंदर उन्होंने न सिर्फ ये पता लगा लिया कि खबर नीतीश की फाइल की हुई थी, बल्कि नीतीश का फोन नंबर भी पता लगा लिया। जाहिर है, भारत में उनके गुर्गों का नेटवर्क जबरदस्त तरीके से फैला हुआ है। नीतीश ने तो मना कर दिया, लेकिन इस जानकारी के साथ साय की तरह चलता वो खुलासा सामने आया है जो डरा जाता है, होश उड़ा देता है। जरा सोचिए, अगर जमात उद दावा जैसा आतंकी संगठन नीतीश का नंबर निकाल सकता है, अगर वो न्यूज 18 इंडिया जैसे बड़े मीडिया संस्थान के नामी पत्रकार नीतीश कुमार को उन्हें ज्वाइन करके भारत के खिलाफ काम करने का ऑफर देने की हिमाकत कर सकता है, तो कितने और लोगों को ऐसे लालची ऑफर दे रहे होंगे, कितनों को दे चुके होंगे, कितनों को शामिल कर चुके होंगे। उन्हीं में से कुछ ने ही नीतीश की सारी जानकारी चुटकियों में निकाल ली थी। सरकारी दफ्तरों, खुफिया एजेंसीज, फौज, सीमा सुरक्षा बल के कितने लोगों को अब तक ये लोग ट्रेस कर चुके होंगे, भारत में कितने बुरहान ये तैयार कर चुके होंगे, ये किसे पता है? आपको हाफिज के बेटे तलहा सईद का कुछ समय पहले आया ये वीडियो तो याद ही होगा। तलहा के पास ही कश्मीर में लोगों को भड़काने का काम है, तभी नीतीश से भी टीम बुरहान को ज्वाइन करने के लिए कहा गया था। साफ है, अपने इस प्लान के तहत ये कश्मीर के बाहर भी महत्वपूर्ण जगहों पर बैठे लोगों या उनके रिश्तेदारों, जानने वालों, दोस्तों या उनके घरों में काम करने वाले नौकरों से संपर्क जरूर करते होंगे,
और उसके बाद शुरू होता होगा पैसा धम या मजहब के नाम पर बहकाकर जरूरी जानकारी जुटाने का काम। साफ है कि ये देश के चप्पे चप्पे की जानकारी पाकिस्तान में बैठकर जुटा रहे होंगे और हो सकता है बाकायदा उसकी लॉग शीट और लाइब्रेरी बन रही होगी। मुंबई में हुए हमले में आपको याद होगा कि एनएसजी के पास होटल ओबराय और ताज का कोई डिटेल मैप नहीं था और आतंकी उसके चप्पे चप्पे से वाकिफ थे। तभी एनएसजी को वक्त लगा और उन्नी कृष्णन को जान तक गंवानी पड़ी। क्या पता ऐसे कितने होटलों और दफ्तरों में काम करने वाले छोटे स्टाफ से क्या क्या जानकारियां जमात उद्दावा जुटा चुका होगा। लेकिन ये साफ है कि इस आभासी साइबर वर्ल्ड की दुनिया भारत के लिए सबसे बड़ा खतरा है और जमात उद्दावा के लिए साजिश की नई उम्मीद बन चुका है। उनके खतरनाक मंसूबों को जब हम समझे तो कांप गए। हमने फौरन इन्वेस्टिगेशन शुरू की। नीतीश कुमार ने दूसरे नाम से पाकिस्तान के उस नंबर पर फोन किया जो उन्हें भेजा गया था। हिंदुस्तान के सूबे उत्तर प्रदेश से मैं फिरोज बात कर रहा हूँ। जी ये नतीश भाईजान ने आपका नंबर दिया था जी। हेलो हाँ जी। शायद जमात के गुर्गे अब तक अपनी चूक समझ चुके थे और हमारी चाल को लेकर सतर्क थे। तभी उन्होंने बिना कोई बात किए फोन काट दिया। यहाँ तक दूसरी बार कॉल करने पर फोन उठाया तक नहीं। हेलो कॉल डिस्कनेक्ट कर रहे हैं। कॉल डिस्कनेक्ट कर दे रहे हैं। आज का सबसे बड़ा खुलासा ये है कि जमात का जाल अब सिर्फ कश्मीर तक ही नहीं बल्कि देश के हर कोने में कमजोर कड़ियां तलाशने और तोड़ने में लगा है। कमजोर कड़ियों को तोड़कर जो जाल वो भारत के खिलाफ बुन रहे हैं उसे अगर जल्द तोड़ा नहीं गया तो ये जंजीर हमारे चमन को हमारे अमन को फिर दहला सकती है। तो आज हादसा में इतना ही। जहां भी रहिए सतर्क रहिए सुरक्षित रहिए।